तुम एंजॉय करो, मैं चलूं। एक मिनट परीक्षा, तुझे भी तो घर जा रहा ना, तो तू नीरज के साथ निकल, मैं एक काम करके आता हूँ। नॉट अ बैड आइडिया, चले नीरज, चले बाय। यहाँ क्या कर रहा है? अरे तू क्या हुआ, परेशान से लग रहा है, कोई बात है? अरे यार वो मेरी डायरी खो गई यार। डायरी खो गई? ऐसे कैसे खो गई, अच्छे से देख, घर में ही कहीं होगी। यार नहीं मिल रही यार। और भाई देसी, यहाँ कहाँ पैदल घूम रहा है, आज पैसे ही नहीं होंगे तेरे पास रेस्टोरेंट जाके चाय पीने के, है ना? चलो मैं भी चलते हैं। पागल है क्या, तेरे लिए मुंबई से दिल्ली आया मैं, और कैसी कैसी बातें करती है तू यार। यार वो रील्स देखो कितनी प्यारी है ना, मुझे वो चाहिए। तो जाना, जो तुझे चाहिए ले ले, मेरा एक कॉल आ रहा है। वेट, जाना लिया नहीं क्या? नहीं अब मन नहीं है। क्यों नहीं लेना? पहले जो देख मेरी वीडियो वायरल हो गई, देख कितने लाइक्स आ रहे हैं यार। वाह, एक और ये देख। That's great. वाह नीरज, मैं एक मिनट में आई, ठीक है? ठीक है। हेलो, हाँ नीरज बोलो। ओके मैं आती हूँ। विकी,
मुझे कुछ काम है, अभी जाना पड़ेगा। ठीक है तू जा, मैं तो यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, मेरी वीडियो तो वायरल हो रही है यार। ओके बाय बाय। कैसे हो नीरज, आज इतने दिनों बाद बुलाया, कोई काम था? ज्यादा ना बोली बनने की जरूरत ना है, अगर तुम्हें डायरी चाहिए थी मेरे तो मांग लेती, मैं दे देता यार, तुमने अपने बॉयफ्रेंड गर्ल मिलकर मेरी डायरी चुरा ली। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरी लिखी और स्टोरी तेरे बॉयफ्रेंड ने बना भी ली, इसका मतलब डायरी उसी ने चुराई है। नहीं नीरज, मेरा बॉयफ्रेंड थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, आपकी वजह से मेरी वीडियो इतनी वायरल हो गई कि मुझे इतने सारे लाइक्स मिल गए। थैंक यू अगेन एंड अगेन, और प्लीज़ दोस्तों लाइक करते रहो, मेरी वीडियो को वायरल करते रहो। विक्की एक मिनट दोस्तों, मैं आपसे दो मिनट में दोबारा लाइव आके बात करता हूँ, बाय फ्रेंड्स। तू गई नहीं अभी तक? तुमने नीरज की डायरी चुराई है तो तुझे पता लग गया? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई वो डायरी चुराते हुए? तुम्हें बहुत अच्छे से पता था कि वो डायरी नीरज की जान है, तुमने फिर भी वो डायरी चुराई? यार वो सिर्फ लिखता ही रहता था, मैंने तो सिर्फ वीडियो को डाल के वायरल किया, और तुझे तो खुश होना चाहिए कि हम दोनों फेमस होंगे, हमारी वीडियो चल रही है यार। शट अप। फिर नहीं जाने देंगे, इस दफा तुम जो मिल जाओगे, बाकी मैंने जो खो दिया है फ्रेंड्स, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्टिंग, आपने मेरा बहुत बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच एंड बाय अभी के लिए, बाय। चल दिलीशा घर चले, अभी कहाँ, अभी तो बहुत सारी फोटोज क्लिक करवानी है, तुझे चलना है तो चल, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। चल यार मैं थक गया, मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है? अभी कहाँ, अभी तो और घूमना है, चलो। ओके चलते हैं। परफेक्ट, अब लग रही है तो विक्की की दुल्हन। ये कर दी मैंने वीडियो पोस्ट। पोस्ट? यार तुझे पता है ना मैं काफी टाइम से कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं कर रही, मेरी लाइफ कुछ पर्सनल रहने दोगे या नहीं? अच्छा, और ये जो 2 घंटे पहले वीडियो अपलोड हुई है ये किसने करी है? ट्रेंडिंग नंबर 1, तो पागल है क्या? दिल्ली तुमको चुन लिया है, तुम भी उसको चुनो ना, कब को मेरी जान है। ऐसी
अच्छा अच्छा बना दूंगा, एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसे तुझे पता भी ना लगे तू रात रात फेमस हो जाएगा। चल झूठे। नीरज रिचा और विकी के लिए शादी हो गई थी, बेचारे नीरज का क्या हुआ होगा, क्या उसकी शादी हुई होगी। चलो पता लगाती हूँ। मैं डिलीशा और नीरज की कहानी से इतनी अटैच हो गई कि वो लोग मुझे हर जगह देखने लगे। मैंने सोशल मीडिया से नीरज और डिलीशा की फोटो निकाल लिया और उन सब जगह पे गई जहाँ वो अक्सर ज्यादा आत्मा करते थे। मैंने नीरज को बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वो मुझे कहीं नहीं मिला और फिर मैं उस कैफे में जा पहुंची जहां वो अक्सर आया करता था। अच्छा इस कैफे का नाम कुछ और था पहले? हाँ कुछ और था लेकिन पिछले 3 साल से इसका नाम एसओएस कैफे ही है। अच्छा ठीक है। एक काली चाय कर दीजिए। काली चाय? क्या हुआ? काफी सालों बाद ऑर्डर आया। एक नीरज भी आई थी जो यहाँ पे काली चाय पिया करते थे। आप जानते हो नीरज मनवाल को? जी मैम। नीरज भैया अक्सर यहाँ पे आया करते थे, उन्हें यहाँ की काली चाय बड़ी पसंद थी लेकिन वो बीच में कुछ परेशान से लगने लग गए थे और अब वो यहाँ पे कुछ सालों से आए नहीं। तो तुम्हें पता है वो कहाँ मिलेंगे? हाँ जी। क्या नीरज मनीवाल जी यहीं रहते हैं? हाँ जी यहीं पे रहते हैं। एक्चुअली मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम था। वो तो बाहर गए हुए हैं, ऐसा करो आप वेट कर लो उन्हें। हेलो बेबी इज फॉर यू। आप जानते हो कौन है? पापा। नीरज ने भी शादी कर ली, किसी ने सही कहा है ये प्यार बहुत कम लोगों को मिलता है। You know what, Alicia, मैं तुम्हारी कितनी बड़ी फैन हूँ। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने खड़ी हो। मैं तुमसे मिलना चाहती थी। बैठ के बातें करो। श्योर। Alicia, पिछले 3 सालों से तुमने कोई पोस्ट नहीं डाली? नहीं। बट क्यों, वो तो तुम्हारी जिंदगी थी। अब ये मेरी जिंदगी है। हाउ स्वीट। एक इतनी फेमस लड़की ने इतने आम लड़की से शादी की,
नीरज मेरे लिए कोई आम इंसान नहीं है। नीरज मैं तुम्हारी भी बहुत बड़ी फैन हूँ। कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें मेरे तू होता नहीं है। मैं सो भी जाऊं रातों